मेरी बहन को पैदा हुए आज पहला दिन है। गजल, इस दुनिया में तुम्हारी बहन आई है। हाँ मम्मा, मैं खुश हूँ, लाओ मुझे भी दो। तुम अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करना। ये मेरी जिंदगी का हैप्पीएस्ट डे है मॉम। आ जाओ सोसो बेटा, ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ मॉम, आ रही हूँ। आ जाओ बेटी, ब्रेड और हनी चाहिए? हाँ मॉम। ओके बेटी, चलो मेरी बेटी। बहुत अच्छे मेरी बेटी। हाँ, आपने मुझे ब्रेकफास्ट के लिए क्यों नहीं बुलाया? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? बेटा तुम बड़ी हो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। ठीक है, मुझे खाना नहीं है, सोसो को ही खिलाओ। गॉड इसे अकल दे। जब से सोसो हुई है मेरी मम्मी ने मुझे प्यार करना ही बंद कर दिया है। जब सिर्फ मैं थी तो वो मुझे कितना प्यार करती थी। हाँ सोचो। गजल तुमने खाना क्यों नहीं खाया? ज्यादा शरीफ मत बनो, इस कमरे से निकल जाओ तुम। छोटी बहन से इस तरह कौन बात करता है? आप बस मुझे डांटती रहना और सोसो की ही साइड लेती रहना। गजल वो तुम्हारी छोटी बहन है, मैं तुम दोनों से बराबर से प्यार करती हूँ। हाँ मुझे मालूम है, कुछ तो करना ही होगा। बताओ बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? मॉम टॉय लेकर आना और मुझे पार्क जाना है। हाँ मेरी बेटी जरूर। सोसो को अपनी लाइफ से कैसे दूर करूँ, कुछ सोचना ही पड़ेगा। मेरी मॉम किसी और को इतना प्यार नहीं कर सकती, मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। एक आइडिया। लाला लाला लाला। मॉम मैं सोसो को अपने साथ बीच पे ले जा रही हूँ। तुम अकेले जाओ, मैं तुम्हारे साथ सोसो को नहीं भेज सकती हूँ। फिक्र ना करो, मैं उसका ख्याल रखूंगी मॉम। ठीक है ले जाओ, लेकिन उसका ध्यान रखना तुम। बेटा अपनी बड़ी बहन की बात सुनना और पानी में नहीं जाना। ओके मम्मी। गॉड तुम दोनों की हिफाजत करेंगे। ओके बाय बाय। गॉड इनकी रक्षा करना। चलो सोचो, तुम यहाँ से बिल्कुल भी हिलना मत। तुम कहाँ जा रही हो? जो कहा है बस उतनी बात सुनो तुम। मुझे अकेले डर लगेगा। ज्यादा डरो मत, मैं अभी वापस आती हूँ। हिलना मत तुम। हाँ आज तो इससे छुटकारा पा ही लूंगी। यहाँ से निकल लेती हूँ। गजल कहाँ गई है? गजल मुझे अकेला छोड़ के चली गई। गजल तुम कहाँ गई हो? गजल बच्चे अभी तक आए नहीं, मैं गजल को कॉल करती हूँ। फोन नहीं उठा रही, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? मुझे अब डर लग रहा है, काश मैंने उन्हें जाने नहीं दिया होता। गॉड उनकी रक्षा करना। मैं दोबारा से कॉल करती हूँ। उठाओ उठाओ फोन, उठाओ उठाओ फोन, बंद है, क्या हो गया? गॉड मदद करो। अकेले घर जाऊंगी तो मॉम बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएंगी। मुझे डर लग रहा है, मुझे खुद पे शर्म आ रही है, कैसे अपनी छोटी बहन को वहाँ अकेला छोड़ दिया। गजल मुझे डर लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इस वक्त घर जाना चाहिए। मामा, गजल तुम्हारी बहन सोसो कहाँ है? पता नहीं कहाँ है सोसो। पर तुम ही तो अपने साथ ले गई थी उसको। मैंने सोसो को बीच पे छोड़ दिया मॉम। हाँ तुमने उसे बीच पे अकेला छोड़ दिया। मैंने तुम पे यकीन किया था, तुमने कहा था ध्यान रखोगी। मैंने तुम्हें ये सब तो नहीं सिखाया था कभी। तुम उसे कैसे अकेले छोड़ सकती हो बीच पे? क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करती, उससे प्यार करती हो। मैं तुम दोनों से बराबर प्यार करती हूँ। मैं सोसो से परेशान हो गई थी, आपकी सिर्फ एक ही बेटी है। तुम मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाई गजल। मैंने क्या कर दिया अपनी बहन के साथ? मॉम माफ कर दो। नहीं करूंगी। सोसो। हाँ सोसो। हाँ मैं सोसो।
वापस कैसे आई? मैं बताती हूँ पूरी कहानी। वहाँ एक अच्छी औरत थी। ये बच्ची क्यों रो रही है? इसकी मदद करनी होगी। क्यों रो रही हो बेटा? मेरी बहन यहाँ मुझे अकेले छोड़ के चली गई। परेशान मत हो, मैं तुम्हें घर लेके चलती हूँ। तुम जैसी बदतमीज लड़की को घर में रहने की कोई परमिशन नहीं है। मॉम प्लीज मुझे माफ कर दो। निकल जाओ मेरे घर से। नहीं मॉम, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दो मॉम। छोड़ो मॉम, मुझे बाहर निकालो। यहाँ से चली जाओ। बड़ी बहन तुमसे नफरत भी कर सकती है कभी। सो मेरी बेटी। माँ मुझे माफ कर दो आप। कैसे माफ कर दूँ भला मैं उसे? हाँ गजल का मैसेज। मॉम मुझे माफ कर दो। मॉम मैं उसे मिस करती हूँ। मैं भी मिस करती हूँ बेटा। मॉम जब मैं बाहर खेलने जाती थी, जब मुझे कोई धक्का देता था तो गजल बजाती थी, और जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मुझे गजल देती थी। आई मिस गजल। मुझे भी याद आ रही है मॉम। हाँ गजल। मामा मामा सो मुझे माफ कर दो आप लोग। माफ किया। I'm sorry गजल। मॉम प्लीज मुझे माफ कर दो। अपनी गलती के लिए माफी मांगती हूँ मैं। हमने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया गजल। पता नहीं क्यों मैं अपनी छोटी बहन से इतनी नफरत करती थी मम्मा। ये हमारे बुरे ख्याल होते हैं जो हमें गलत रास्ते पे ले जाते हैं। तुम्हें अपनी बहन का हमेशा ध्यान रखना है। सो गॉड इन दोनों बहनों को हमेशा साथ रखना। तुम पागल हो। मरियम बेटा अकेले क्यों बैठी हो? तुम्हें भी लड़कियों के साथ खेलना है। ठीक है बच्ची, तुम लोग मरियम को अपने साथ क्यों नहीं खिला रहे हो? हम उसे अपने साथ नहीं खिलाना चाहते हैं। वो हमारे साथ नहीं खेल सकती क्योंकि गेम बिगाड़ देती है। हाँ। गलत बात है ये। चलो बेटा घर के अंदर चल के खेलते हैं हम। चलो बेटा यहाँ बैठ कर आराम से टीवी देखो। चलो लड़कियों चलते हैं। चलो। मरियम तुम यहाँ लिविंग रूम में क्यों बैठी हो? अपने रूम में जाके देखो। लिविंग रूम में क्यों देख रही हो?